आयुष मंत्री ने लाडली लक्ष्मी पथ और लाडली लक्ष्मी वाटिका का किया लोकार्पण। शादी का प्रलोभन देकर नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 10 वर्ष का कठोर कारावास। और राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में आदिवासी ब्लॉक आश्रम बालाघाट को मिला प्रथम स्थान। मध्य प्रदेश स्थापना दिवस पर पूरे सप्ताह 1 से 7 नवंबर तक पूरे प्रदेश में स्थापना दिवस महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में 2 नवंबर को लाडली उत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत बालाघाट में मध्य प्रदेश शासन के आयुष एवं जल संसाधन राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे ने लाडली लक्ष्मी वाटिका एवं लाडली लक्ष्मी पथ का लोकार्पण किया। आयुष मंत्री ने इस अवसर पर अपने संबोधन में कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पहल पर प्रदेश में लाडली लक्ष्मी योजना प्रारंभ की गई थी। अब यह योजना बड़ा स्वरूप ले चुकी है और लाडली लक्ष्मी 2 योजना प्रारंभ की जा चुकी है। माननीय विशेष न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी जिला बालाघाट ने न्यायालय ने आरोपी देवीलाल यादव को 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं 5,000 रूपए अर्थदंड धारा 4 पॉस्को एक्ट में 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं 5,000 रूपए से अर्थदंड से दंडित किया है। जनप्रतिनिधि की सजगता एवं तत्काल उपचार से स्वस्थ हुआ सर्पदंश का मरीज। सांप के काटने पर मरीज को शीघ्रता से अस्पताल पहुंचाएं। यदि किसी व्यक्ति को सांप या कोई जहरीला जंतु काट ले तो उसे तत्काल पास के किसी अस्पताल में ले जाना चाहिए। राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा राज्य स्तरीय जनसंख्या शिक्षा लोक नृत्य एवं खेल प्ले प्रतियोगिता 2-3 नवंबर 2022 को राज्य के जबलपुर संभाग में आयोजित की गई, जिसमें बालाघाट जिले के शासकीय आदिवासी बालक आश्रम बालाघाट को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, जिसके पश्चात 5 से 10 दिसंबर को दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर पर नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसमें बालाघाट जिले का शासकीय आदिवासी बालक आश्रम बालाघाट राष्ट्रीय स्तर पर मध्य प्रदेश राज्य का प्रतिनिधित्व करेगा। यह बालाघाट जिले के लिए एक उपलब्धि है। क्षत्रिय पवार समाज बालाघाट की जिला कार्यकारिणी की घोषणा संगठन के अध्यक्ष ओंकार सिंह बिसेन व महासचिव शेषराम रांगडाले द्वारा की गई। बुधवार को पवार छात्रावास में बैठक आहूत की गई, जिसमें क्षत्रिय पवार महासभा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ बीएम शरणागत, पूर्व जिलाध्यक्ष खीरसागर पारधी, डॉ सीके पारधी, अमूल्य जी की प्रमुख उपस्थिति में कार्यकारिणी की घोषणा हुई। आपस में मिले घबराना, मोबाइल को सेलेक्ट करें। जो लोग को काम नहीं है, रात को 12 बजे सोशल मीडिया चालू करते हैं और किसकी गलती कहाँ पे है, किसको क्या, तो ये इतनी छोटी चीजों पे ध्यान नहीं देते। तहसील मुख्यालय से लगभग 1 किलोमीटर दूर बालाघाट मुख्य सड़क मार्ग के बड़गांव मार्ग चौक पर पुलिस थाना किरनापुर के द्वारा सीट बेल्ट और हेलमेट न पहनने वाले मोटरसाइकिल एवं चार पहिया चालकों को रोककर जुर्माना लिया गया। वहीं दुर्घटना के समय हेलमेट के उपयोग करने से होने वाले बचाव के बारे में समझाइश दी गई। आवागमन पर चेकिंग बिना हेलमेट चेकिंग और गाड़ी में जो फोर व्हीलर में सीट बेल्ट लगाते उनके लिए ज्यादा हुआ है, सेफ्टी के दृष्टि से चेकिंग की जा रही है। दुर्घटना समझाइश दी जाती है कि हेलमेट लगाइए भाई, सीट बेल्ट लगाइए, धीरे चलिए।